Okay, the next question is, you have a bucket of this type. ओके ये कोन के शेप में, अगर जो मतलब आप इसको कंप्लीट करोगे तो ये कोन बन जाएगा, तो आपने ये इतने पार्ट को चिप ऑफ कर दिया, तो इस तरह से ये बकेट है. इट इज फिल्ड विथ वाटर. ओके सो एक्चुअली इट इज नॉट, मतलब बकेट की हाइट छोटी होती है. द हाइट गिवन टू यू ओवर हियर इज 30 मीटर्स, एंड आपको ये दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज. यहाँ पे जो रेडियस ऑफ दिस बॉटम फेस इज R1, टॉप फेस का जो रेडियस है दैट इज R2. यहाँ पे जो आपका प्रेशर है, एटमॉस्फियरिक प्रेशर जो लग रहा है, दैट एटमॉस्फियरिक प्रेशर इज 10^5 ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो आपको, एंड इट इज गिवन टू यू दैट द फोर्स ऑन द टॉप फेस एंड द फोर्स ऑन द बॉटम फेस इज इक्वल. सो बेसिकली आपको R1 एंड R2 का रेशियो फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड R1 बाय R2. ओके नाउ ये R1 बाय R2 का आप रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे? नाउ इट इज वेरी सिंपल. फोर्स एट द टॉप इज इक्वल टू प्रेशर एट द टॉप. टॉप पे प्रेशर कितना लग रहा है? एटमोस्फियरिक प्रेशर, दैट इज 10^5 इंटू द एरिया ओवर हियर, दैट इज पाई R2 स्क्वायर. अच्छा, प्रेशर एट द बॉटम वुड बी इक्वल टू एटमॉस्फियर के जो वजह से प्रेशर आएगा, प्लस ये वाटर कॉलम के वजह से प्रेशर आएगा. सो 10^5 प्लस वाटर कॉलम के वजह से जो प्रेशर होगा, दैट विल बी H ρg. हाइट इज 30, डेंसिटी इज 1000 एंड ग्रेविटी इज 10. ओके इन टू द एरिया ऑफ द बॉटम फेस, दैट इज पाई R1 स्क्वायर. नाउ इसको अगर जो आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे क्या आएगा? पाई और पाई कट हो जाएगा. ओके नाउ 10^5, 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज 3 × 10^5, दिस इज प्लस 10^5, तो ये हो जाएगा 4 × 10^5. सो 10^5 इंटू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 10^5 इंटू R1 स्क्वायर. सो देयर फॉर R2 अपॉन R1 यू विल गेट इट एज 2. आपको आंसर जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2. तो ये 60 डिग्री का एज सच कोई भी यूज नहीं है. ठीक है, ओके.